हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अफ्सार ट्यूटोरियल कैसे हैं आप लो? सब लोग उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे आज हम पढ़ेंगे कलरी मीटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में सो so, इस कलरी मीटर के बारे में और क्या पढ़ सकते हैं इस वीडियो में जैसे कि प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट्स प्रोसीजर अप्लीकेशन एडवांटेजेस एंड डिसंटेजेस इस वीडियो हम सब कुछ कलरीमीटर के बारे में कवर करेंगे प्रिंसिपल uh, कॉम्पोनेंट सब कुछ प्रोसीजर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अप्लीकेशंस सो इस कलरीमीटर को और क्या कहा जाता है सो दिस कलर मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फोटो इलेक्ट्रिक कलरी मीटर इस कलरीमीटर को क्या कहा जाता है इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर कहा जाता है तो so ये कलरीमीटर क्या है कलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है किस लिए यूज किया जाता है इस मेनली यूज टू तो डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड जैसे कि फ्लूड बायोलॉजिकल फ्लूड हो गया ब्लड तो इन सब फ्लूड्स को बायोकेमिकल कंपाउंड कहा जाता है इसके कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या है? करते हैं कलरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं कहा स्पेशली इन द बायोकेमिस्ट्री लैबोरेटरी है ना सो कलरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स मेनली यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बायोकेमिकल कंपाउंड कैसे बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ कलर डेवलप्ड जो कलर डेवलप होगा बायोलॉजिकल बायोकेमिकल कंपाउंड्स जब हम रिएजेंट के साथ मिक्स करके उसको uh, इंक्यूबेशन करते हैं उसके बाद जो कलर डेवलप होता है उसकी इंटेंसिटी जो कलर डेवलप होता है ना उसका इंटेंसिटी मेजर करके हम क्या करते हैं बायोकेमिकल कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट सो कलरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेनली यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बायोकेमिकल केमिकल बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ कलर डेवलप्ड सो दिस मेथड ऑफ एनालिसिस जो इस मेथड को अनालिसिस है। so, so, देखते हैं कि क्या कॉम्पोनेट्स है इन द कलरिमेट्री तो टन लैम्प है कंडेन्सर लेंस क्वेट फिल्टर फोटो सेल एम्पलीफर और गैलवेमीटर कॉम्पोनेंट्स के बारे में हम डिटेल पड़ेंगे तो प्रिंसिपल समझने के लिए मैं बस बता रही कि किन किन कॉम्पोनेट होते हैं इन कलरीमीटर में एक तो है टंगस्टन लैम्स जो लाइट सोर्स है और जो है कंडेंसर लेंस कुवेट फिल्टर फोटोसेल और गैलवेटर सो प्रिंसिपल क्या है सो द कलरीमी जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेनली किस बेसिस पे काम करता है सो द कलरीमीटर वर्क्स अंडर द बियस लैम्ब ला सो बियसैम्बर्स बेसिस पे क्या करता है कलरीमीटर वर्क करता है सो so, ये ला क्या कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट जब एक रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट अब्सॉर्बिंग मीडिया से जब पास होता है रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इस पास अब्सॉर्बिंग मीडियम तो क्या होगा इंटेंसिटी डिक्रीज होता है वैसा वर्षा जब इंटेंसिटी डिक्रीज होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अब्सॉर्बिंग मीडियम इंक्रीज होता है सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कलरीमीटर सो ये कलरीमीटर किस बेसिस पे काम करता है दिस कलरीमीटर वर्क अंडर द बियर्ड लैम्ब लॉ सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा सो वेन रे ऑफ जब ये टंगस्टन लैम्ब से रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट पास होता है तो क्या होगा थ्रू द ऑब्सॉर्बिंग मीडियम से जब ए रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट पास होगा सो so, इसका इंटेंसिटी क्या है? होता है डिक्रीज होता है सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द दब्सॉर्बिंग मीडियम इंक्रीज होगा सो दिस अकॉर्डिंग टू दिसमैटिक लाइट अब्सॉर्बिंग मीडियम इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ दब्सॉर्बिंग मीडियम इंक्रीजेस सो कॉम्पोनेट्स के बारे में पढ़ते हैं सो so, क्या कौन से कॉम्पोनेंट्स है एक तो लाइट सोर्स है लाइट सोर्स फिल्टर

ऑफ वेवलेंथ सो लाइट सोर्स विजिबल रेंज ऑफ दी 400 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का इस्तेमाल होता है मोस्ट कॉमनली टंगस्टन लैम्प का यूज होता है सो लाइट सोर्स लाइट सोर्स फॉर विजिबल रेंज ऑफ दी 400 टू 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जाता है सो मोस्ट कॉमनली लाइट सोर्स कौन सा यूज किया जाता है वो है टस्टन लैम्प सो कलरिमेट्री में टंगस्टन लैम्प को यूज किया जाता है मोस्ट कॉमन टंगस्टन लैम्प इज यूज सो नेक्स्ट फिल्टर का क्या काम है फिल्टर क्या करेगा इन द कलरिमेट्री सो फिल्टर आर यूज टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर वेवलेंथ जो पर्टिकुलर वेव लेंथ होता है उसको सेलेक्ट करने में हेल्प करता है और ये क्या करता है फिल्टर अनवॉन्टेड वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है और जो रिक्वायर्ड वेव लेंथ उसको ट्रांसमिट करता है सो so, फिल्टर क्या करता है फिल्टर किस लिए यूज किया जाता है मेनली यूज टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर वेवलेंथ पर्टिकुलर वेवलेंथ को सिलेक्ट करने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है सो दिस फिल्टर क्या करेगा ऑब्जर्व द अनवांटेड वेवलेंथ अनवांटेड वेवलेंथ को ऑब्जर्व करके जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ होगा उसको नेक्स्ट कुवेट के थ्रू क्या करेगा कुवेट के पास क्या करेगा उस वेवलेंथ को ट्रांसमिट करेगा सो so नेट है। एक कुवेट एक सैम्पल होल्डर है एक क्या करेगा जो सैंपल होगा ना बायोलॉजिकल कंपाउंड जिसको हमें मेजर करना है सो so डिटरमाइन करना है उसको इस उस सैंपल को एक कुवेट होल्ड करेगा सो द कुवेट दिस होल्ड्स द सोलूशन दिस कुवेट इज मेड अप ऑफ आइदर ग्लास सिलिक और द्लास्टिक कैपेसिटी कितनी होगी इस कुवेट की दिनिमम वन एम ऑफ कैपेसिटी होगी द कुवेट क्या है सोल्यूशन को होल्ड करता है जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है ना जिसको डिटरमाइन करना है कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन uh, करना है उस बायोलॉजिकल कंपाउंड को इस कुवेट में होल्ड करते हैं प्लेस करते हैं सो द कुवेट इज होल्ड दल्यूशन इट इज मेड ऑफ ऑफ आईदर ग्लास सिलीक और द प्लास्टिक तो कैपेसिटी ऑफ द कुवेट कितनी होगी दैट इज मिनिमम वन एम सो नेक्स्ट डिटेक्टर सो दिस डिटेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एस दिटेक्टर को फिर क्या कहा जाता है? So है जो डायरेक्टली कुवेट फॉल्स डिटेक्टर जो लाइट सोर्स जो है जो टंगस्टन लैम्प से जो लाइट सोर्स पास हो रही है जैसे वो कुवेट पे पड़ेगा वो कुवेट क्या करेगा उस लाइट को डिटेक्टर पे फॉल्स करेगा सो so डिटेक्टर ट्रांसमिट होगा ना जो लाइट होगा डिटेक्टर जो लाइट सो so ये डिटेक्टर क्या करेगा सो दिस कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो लाइट एनर्जी होगा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा सो so, इतना याद रखना है कि डिटेक्टर को क्या कहा जाता है डिटेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड फोटो सेल सो ये क्या करेगा दिस कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो नेक्स्ट इज द लास्ट सोर्स क्या है दो? कंपोनेंट क्या है गैलवेनोमीटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिटेक्टर ने कन्वर्ट किया हुआ है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा एज ए ऑप्टिकल डेंसिटी होकर स्क्रीन पे शो करेगा सो so, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल कॉम्पाउंड हमें स्क्रीन से इजिली हम पढ़ सकते हैं सो so, गैल्वेनोमीटर क्या है द कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहां डिटेक्टर से लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया ना तो so, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया ऑप्टिकल डेंसिटी एज ऑप्टिकल डेंसिटी हम इसको

डिटेक्टर डिटेक्टर कैन ऑल्सो कॉल्डोटोल क्या करेगा गैलवेनोमीटर गैलवेनोमीटर so, क्या करें जो कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम इजिली गैलवेनोमीटर की मदद से एज ए ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दायोलॉजिकल कॉम्पाउंड पढ़ सकते हैं सो नेक्स्ट इज द प्रोसीजर सो प्रोसीजर क्या करना है तो फर्स्ट क्या करना है इंस्ट्रूमेंट को जीरो ट्रांसमिन जीरो प्रेजेंट ट्रांसमिशन के लिए सेट करना है सो सेट द इंस्ट्रूमेंट टू जीरो सो द प्रेजेंट ट्रांसमिशन सेटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस जीरो सेटिंग नॉब जीरो सेटिंग नॉब की मदद से हमें क्या करना है इंस्ट्रूमेंट को जीरो को सेट करना है सो so, तो नेक्स्ट जैसे कुवेट में हमें क्या करना है कुेट में हमें ब्लैंक सोल्यूशन ब्लैंक सोल्यूशन मतलब डिस्टिल्ड वाटर, सो डिस्टिल्ड वाटर को लेना है सो हंड्रेड परसेंट ट्रांसमिशन को सेट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक सेटिंग नो जैसे कुवेट में ब्लैंक ले लिया सो so, उसके अब्जॉर्ब रीडिंग्स को नोट डाउन करना है फर्स्ट तो क्या करना है अब जैसे कुवेट में फर्स्ट ब्लैंक सॉल्यूशंस का ऑप्टिकल डेंसिटी लेना है उसके बाद स्टैंडर्ड का फिर क्या करना है जो भी टेस्ट सोल्यूशन होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी हमको रीड करना है रीड करके हमें टैबलर कॉलम में उसको लिखना पड़ेगा टैबलर कॉलम में लिख के हमें उसको नेक्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं सो प्रोसीजर क्या है इन द इंस्ट्रूमेंट टू जीरो विद द हेल्प ऑफ जीरो सेटिंग नॉम। जीरो सेटिंग नॉम की मदद से हम क्या करेंगे इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे सो नेक्स्ट ब्लैंक को वेट में क्या करना है ब्लैंक सोल्यूशन लेना है ब्लैंक सोल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर को लेना है सो so, इसका रीडिंग्स लेना है फिर क्या करना है स्टैंडर्ड सोल्यूशन को लेना है फिर उसका भी अब्जॉर्बेंस लेना है आफ्टर द स्टैंडर्ड दिस्यूशन के बाद हमने क्या करना है जो टेस्ट सोल्यूशन होगा ना उसको कुवेट के अंदर लेके डाल के उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी चेक करना है जैसे हम हर टाइम क्या करेंगे एक तो ब्लैंक ले लिया स्टैंडर्ड ले लिया और टेस्ट सोल्यूशन को ऑप्टिकल डेंसिटी ले इसके ईच टाइम क्या करना है

कैलकुलेट करना है सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द कलरीमीटर। सो नेक्स्ट इज द अप्लीकेशंस और यूज ऑफ द कलरिंग मैंने कहा था कि इस कलरीमीटर को मेनली कहाँ यूज करते हैं कलरीमीटर को मेनली हम

फ्लूड ब्लड सीरम प्लास्मा स्पूटाम मतलब जो जितना सिर्फ अब हम क्या करेंगे यूरिन में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दुगर का देख सकते हैं क्वालिटेटिव मतलब क्या है ओनली प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दें क्वानिटेटिव में क्या करते हैं जितना कॉम्पोनेंट है उसको हम मेजर कर सकते हैं सो so, कलरीमीटर मीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इट इज इन्वॉल्व इन द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन सो एंड ऑल्सो कहाँ यूज होता है ये कलरीमीटर मीटर दे आर ऑल्सो यूज बाय द फूड इंडस्ट्री एंड बाय द मैनुफैक्चर ऑफ द पेंट्स एंड दी टेक्सटाइल्स सो तो एडवांटेजेस क्या है इस कलरिमीटर uh, के इट इज इन एक्सपेंसिव इतना भी कॉस्टली नहीं है ये इन एक्सपेंसिव है और वेरी वेल अप्लीकेबल टू ऑफ़ द कलर्ड कंपाउंड सो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए वेरी वेल अप्लीकेबल है और इजिली कैरियबल एंड ट्रांसपोर्टेबल इजिली हम कैरी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं सो so, डिसवांटेजेस क्या है इसके डिसडवाटेजेस ऑफ द कलरीमीटर सो so, डिसवांटेजेस uh, का ये कलरीमीटर क्या करेगा ओनली कलर्ड कंपाउंड्स को कलर्ड कंपाउंड का इस्तेमाल करके हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन दिस कैन नॉट बी यूज फॉर द कलरलेस कंपाउंड्स कलरलेस कंपाउंड्स के लिए हम कलरीमीटर को यूज नहीं कर सकते सो कलरीमीटर so, के बदले कलरलेस uh, कंपाउंड्स के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में सो इट इस कैनॉट बी यूज फॉर दी कलरलेस काम्पाउंड्स और एक इन्फ्रारेड so रीजन में भी काम नहीं करेगा इट डज नॉट वर्क इन दूवी एंड इंफ्रारेड रीजन एंड जब कलर्स जब ये कलर को from can in the जब color के होंगे तो क्या होगा रिजल्ट में एरर आ सकता है सो दिसवानी यूज फॉर दलरलेस कॉम्पाउंड एंड इट डज नॉट वर्क इन दूवी एंड द इनफ्रेड रीजन एंड सिमिलर कलर फ्रॉम द इंटरफेयरिंग सब्सटेंसिस कैन प्रोड्यूस एरर्स इन द रिजल्ट हो so, आज के लिए दर्शित गए सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा तो so, प्लीज वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू